देखिए आ गई। हेलो अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बच्ची है ना? पैर छुओ बेटा। और बेटा अपने बारे में कुछ बताओ। अंकल मेरा नाम पूजा है और मैं घर में तो मम्मी पापा, मैं और मेरा भाई। थोड़ा क्वालिफिकेशन भी बता दो। क्वालिफिकेशन मेरी अंकल पोस्ट ग्रेजुएशन है। आई होप आपका बेटा भी मतलब वेल क्वालिफाइड ही होगा। अंकल आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आंटी आप लीजिए ना समोसा, खाइए कचौड़ी। अरे नहीं बेटा। भाई साहब। अरे नहीं बहन जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। खाइए ना ये कचौड़ियाँ, टेस्ट करिए, बहुत टेस्टी है। अरे नहीं नहीं अंकल ऐसे कैसे। जब बिटिया रानी इतना बोल रही है तो फिर क्यों नहीं, किसी ने तो बनाया। तुम्हें झूठ क्यों बोल रही हो? अरे नहीं अंकल मैंने नहीं बनाया है। सुबह मैं ये हमारे चौक पे रमेश भैया है ना, उनके ठेले से लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी बनाते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ मतलब कि सुबह सुबह हमारे यहाँ पे कॉलोनी में है एक, तो उनके यहाँ से लेके आई है। बेटा घर का काम आता है ना? नहीं मुझे घर का काम नहीं आता है और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है। सीख लूंगी, मतलब अभी तो है ना टाइम है बहन जी, बहुत टाइम है। अब लाइफ पार्टनर होने जा रहे हैं तो आधा खाना वो बना लेगा, आधा मैं बना लूंगी। वो YouTube है ना, उसी से देख देख के सब कुछ सीख जाते हैं। अंकल मैं आप लोगों को बहुत हाई एक्सपेक्टेशन तो नहीं देना चाहूंगी, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ, मुझे ना घर का पूरा काम नहीं आता है। तो एक मेड रख लूंगी ताकि आराम से घर का काम भी हो जाए और मैं ऑफिस का काम भी कर सकूँ। बेटा आपकी हॉबी क्या है? हॉबी तो मेरे बॉस को रोस्ट करना। खाना खाना, मूवी देखने जाना, वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, यही है। वो भी मैं आपके वाले आंसर नहीं देने वाली हूँ। सिलाई कढ़ाई बुनाई अब आता ही नहीं है तो इन्हें क्यों झूठ बोलूं? नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। बहुत ज्यादा टैलेंटेड ही है। रील्स बना सकती हूँ, बातें बना सकती हूँ, आप लोगों की अच्छी अच्छी सेल्फी क्लिक कर सकती हूँ, लेकिन खाना बनाना तो नहीं आता है। अब वो भी तो मेरी मम्मी है, जैसे इस घर में मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है तो उस घर में वो मेरे लिए खाना बना देंगे। वैसे अभी ध्यान में आया, लड़का नहीं आया है, मतलब आप लोग आए हो मुझे देखने, मुझे भी तो लड़के को देखना है। बेटा तो आपका बहुत अच्छा है, बट इन दोनों को टाइम मिल जाए, क्योंकि वो आजकल के बच्चे है ना, अब हमारा जमाना थोड़ी है कि माँ बाप ने कहा और हम लोगों ने कर लिया। जी बहन जी। जी बहन जी। अच्छा आप मुझे उसके नाम बताओ, उसने इंस्टाग्राम फेसबुक से तो सब पता चल जाता है, मैं चेक कर लूंगी। वैसे अंकल वो जॉब कहाँ करता है? इंजीनियर है। गुड, मतलब शादी के बाद तो मैं उसके साथ ही रहूंगी ना, मतलब शादी करके तो आप लोगों के यहाँ ही जाऊंगी कुछ दिनों के लिए, फिर वो जहाँ जॉब करता है वहीं चली जाऊंगी। क्यों बेटा जी, हम लोग अच्छे नहीं लगे क्या? क्यों अंकल सरदर्द क्यों पाल रहे हो? मैं आपके घर में रहूंगी ना बहुत परेशान कर दूंगी, बेटर है ना आपके बेटे के साथ मुझे भेज देना। मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ने वाली। ओके। हाँ मुझे, और प्लीज शादी के तुरंत बाद ये बच्चा 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 मत बोलने वाली। बहुत मजाकी है मेरी बेटी, बहुत ज्यादा मजाकिया है, इसके बातों को आप सीरियसली मत लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऊपर से मजाकिया। बधाई हो बहन जी, मैं आप लोगों को पसंद भी आ गई इतने उठपटांग जवाब देने के बाद भी। बढ़िया है, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर होके आए थे क्या? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बहन जी, भाई साहब। Hey guys, if you like this video, then please like, share, comment and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe and please share with your friends and family. मिलते हैं अब next video में, तब तक के लिए bye. Love you all.